Seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle. Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss about my 12-week shredding program, week 4. Stay tuned with us. Came into my life just like... आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मेरा जो 12-week shredding प्रोग्राम चल रहा है उसका week 4. आपने देखा प्रीवियसली मैंने 3 वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, उसमें देखा मैं धीरे धीरे श्रेड हो रहा हूँ. तो अभी इस वीक में बहुत अच्छा कंडीशनिंग आया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा और पहले से देखेंगे मॉर्निंग से मैंने क्या किया. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एनी रे फ्रॉम मसल क्लिनिक. आज जो है फोर्थ वीक चल रहा है मेरा, जो 12 वीक का ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फोर्थ वीक है और काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. मेरा काफी अच्छा फैट लॉस हुआ है और मेरे मसल्स भी काफी अच्छे गेन हुए. तो जल्दी से पहले देखते हैं कि मेरा वेट कितना हुआ, उसके बाद हम लोग करेंगे कार्डियो. अभी 40 मिनट्स कार्डियो करते हैं. गाइस मेरा जो वेट अभी है दैट इज 61.2 केजी. अभी थोड़ा प्री वर्कआउट जो ड्रिंक लेते थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस है. जैसे मैं पहले यम मीट और साथ में ग्लूटामिन ऐड करता था, तो अभी क्या करेंगे 3 ग्राम के आसपास BCAA ऐड करेंगे प्री वर्कआउट ड्रिंक में. बिकॉज अभी जैसे जैसे फैट लॉस बढ़ेगा तो आपका साथ में मसल को भी सिक्योर करना है, बिकॉज मसल लॉस भी चालू हो जाता है. तो जल्दी से पहले 5 ग्राम ग्लूटामिन, 3 ग्राम BCAA और 2 यहोमिन की पिल्स लेते हैं, उसके बाद करते हैं 40 मिनट्स कार्डियो. फाइनली मेरा 40 मिनट्स कार्डियो हो गया. देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है. तो अभी सबसे पहले लेते हैं प्रोटीन और ग्लूटामिन. तो हम लोग 3 ग्राम ग्लूटामिन लेंगे और 1 स्कूप वे प्रोटीन लेंगे. ये रहा फर्स्ट मील. इसके 1 घंटे बाद हम लोग लेंगे जो भी मैं खाता हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, तो 1 घंटे बाद लेंगे. ऑलमोस्ट लाइक इंटरमीडिएट फास्टिंग टाइप का मैं अपना प्लान कर रहा हूँ आजकल. तो जो मेरा पहला मील रहता है वो नियर अबाउट 12 o'clock रहता है और इसके बाद का जो लास्ट मील रहता है वो रहता है नियर अबाउट 8 o'clock के आसपास. तो बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपने देख ही रहे हैं, और साथ ही में बहुत अच्छा फैट लॉस भी हुआ है और मेरे एब्स भी काफ़ी अच्छे विजिबल हो गए. मैं गेस करता हूँ शायद 12 वीक्स में प्रॉपरली चिजल्ड बॉडी बन जाएगी. जो मेरा सेकेंड मील है उसमें एक ऑलिव ऑयल में बना हुआ पराठा प्लस 50 ग्राम पनीर 20 ml के आसपास स्टोन्ड वाला कर्ड है और उसके साथ में 5 almonds और उसके जब मेरा मील फिनिश हो जाएगा उसके बाद 1 omega-3 एक मल्टीविटामिन. इसके बाद ये रहा मेरा सेकेंड मील. ये मेरा थर्ड मील है. जैसा आप देख सकते हैं मैं आजकल बिरयानी खा रहा हूँ लेकिन हेल्दी वाला, और जल्दी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगा. साथ में मैंने लिया कुकुम्बर जो फाइबर्स के लिए मुझे चाहिए रहेगा, और जो बिरयानी मैं बनाता हूँ इसमें रहता है 50 ग्राम व्हाइट राइस, साथ में रहता है पनीर 50 ग्राम के आसपास जो मैं क्रश करके डालता हूँ, साथ में राजमा एंड ऑल वेजिटेबल्स रखते हैं. तो ये कंप्लीट मील हुआ, लेकिन ये बनता है ऑलिव ऑयल में, कोई भी सैचुरेटेड फैट नहीं रहता इसमें. तो मैं जल्दी ही इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आप टेस्टी लंच कर सकते हो. प्री वर्कआउट मील में मैं ले रहा हूँ वे प्रोटीन 1 स्कूप और साथ में 1 apple. अभी जिम पहुंचने के बाद सबसे पहले देखते हैं कंडीशनिंग कैसी है. तो आपको दिख रहा होगा मेरा काफी अच्छा मसल गेन भी हुआ है और फैट लॉस भी चल रहा है धीरे धीरे, और साथ ही में आप देख सकते हैं वस्कुलरिटी भी अच्छी हो गई है और मस्कुलरिटी भी अच्छी हो रही है धीरे धीरे. तो इस वजह से क्या बहुत अच्छा शेप आ रहा है और मैं गेस करता हूँ 12 वीक्स में मैं कम्प्लीटली श्रेडेड हो जाऊंगा. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can lose. Each pain. Pre-workout में हम ले रहे हैं height का एक pre-workout ले रहा हूँ, because मुझे थोड़ा strength की ज़रूरत है, charge up होने की ज़रूरत है, तो height का pre-workout साथ में L-arginine और yohimbine 2 pill लगे, morning को 2 और evening को. साथ ही में इसके बाद जब मेरा ड्यूरिंग वर्कआउट रहेगा इसमें मैं ले रहा हूँ 5 ग्राम ऑफ ग्लूटामिन और 5 ग्राम ऑफ BCAA. तो इसके बाद वर्कआउट कर, जैसे मैं आज आर्म्स ट्रेन करने वाला हूँ तो सबसे पहले अच्छे से वार्म अप कर ले.
तो अपने आर्म्स को रोटेट करिए जैसा आपको दिख रहा होगा, ऐसे मैं आप वार्म अप करता हूँ आर्म्स के साथ। साथ में जो क्लोज ग्रिप पुलअप्स रहते हैं वो करता हूँ मैं, जिससे मेरा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और मैं वर्कआउट के लिए तैयार हो जाता हूँ। इसके बाद जो सबसे पहला वेरिएशन रहेगा वो रहेगा आपका क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, और अल्टरनेट में मैं लूँगा इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। तो ये इसके तीन तीन सेट लूँगा। इसके बाद का जो वर्कआउट रहेगा ये रहेगा आपका स्कल क्रशर, और साथ ही में मैं लूँगा बारबल कर्ल्स, ये भी तीन सेट लूँगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करते रहूँगा। और जो मेरा मैक्स रिपीटेशन रहेगा दैट वुड बी लाइक 12, 10 और 8 रहेगा, ऐसा स्लोली डिक्रीज करूँगा और वेट इंक्रीज करते रहूँगा। इसके बाद मैं लूँगा ट्राइसेप पुश डाउन, जो मैं ले रहा हूँ रोप के थ्रू, और इसके साथ ही मैं लूँगा प्रीचर कर्ल्स। इसके बाद रहेगा डबल हैंड डंबल, और साथ में हैमर लूँगा। इसके बाद का जो वर्कआउट रहेगा ये रहेगा सिंगल हैंड डंबल फॉर ट्राइसेप्स, और साथ ही मैं लूँगा केबल कर्ल्स। इसके भी हो गए, इसके मैं दो दो सेट लूँगा। इसके बाद का जो वर्कआउट रहेगा आपको दिख रहा होगा, इसको आर्म्स रोइंग बोलते हैं। जो फिनिशर के हिसाब से मैं दो चीज़ फिनिशर में लगाऊंगा, एक आर्म रोइंग लगाऊंगा, और साथ ही में मैं लगाऊंगा जो 21 का सेट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो 21 का सेट लगाऊंगा। इसके बाद मेरा वर्कआउट खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद करूंगा मैं जो आपके रोलर रहते हैं उससे मैं रोल करूंगा अपने आर्म्स को, जिससे मेरा ब्लड फ्लो और अच्छा हो जाएगा और मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा और मेरे मसल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। मैं प्रीवियसली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आप रोलर यूज़ करेंगे तो आपके मसल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, साइड हिट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग वुड चॉपर करते हैं तो दो वेरिएशन करेंगे अलग अलग वुड चॉपर में, एक ऊपर से नीचे करेंगे और एक जो मीडियम हाइट में रख के हम लोग वुड चॉपर करेंगे। तो इसके तीन तीन सेट करेंगे। इसके बाद माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, अगेन वो तीन सेट का रहेगा जो सर्किट में करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग करेंगे जो आपके जो प्लैंक लगाते हैं साइड प्लैंक, लेकिन इसको आपको साइड प्लैंक में आपको अप एंड डाउन करना है। अब वर्कआउट सेशन कंप्लीट हुआ तो पोस्ट वर्कआउट में 5 ग्राम ग्लूटामिन और साथ में वे प्रोटीन। अब जो मेरा फिफ्थ मील है उसमें 50 ग्राम पनीर है और साथ में कुकुम्बर है। तो फाइनली मेरा जो लास्ट मील है वो है 1 स्कूप वे प्रोटीन, साथ में ग्लूटामिन। ये लेके इसके आधे घंटे बाद मैं लूंगा 5 ग्राम ऑफ इसबगुल, उसके बाद सो जाऊंगा। तो आपने देखा कि मेरा कंडीशनिंग काफ़ी अच्छा हो गया, फैट लॉस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि स्लोली हो और अच्छा रिजल्ट मिले। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।